हाँ जी, आज हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 है, क्लास 9th है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक फार्मूला चैप्टर का नाम है। बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है आपने इसी तरीके से जैसे आपने पहले सॉल्व किया है, सेम वही चीज आपने सॉल्व करनी है, लेकिन जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई यानी कि हल ही करना है जैसे आपने पहले सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई है। ठीक है, अब पहला पार्ट इसका है 3/√6 − √2। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन लिख के इसको रैशनलाइज कर देना है। ये आ गया, अब 3√6 + √2 करना है और यहाँ √6 − √2 और √6 + √2 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ 3√6 + √2 है और नीचे ये a का स्क्वायर और ये आ गया आपके पास b का स्क्वायर। 3√6 + √2 और ये 6 − 2 आ गया। 3√6 + √2 / 4। ठीक है, आपका इसका जी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। वही चीज है, कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन इसका है, यानी दूसरा पार्ट इसका है 3√1/√5 + √2 + 4/√5 − √2। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जो पहली टर्म है ना इसको रैशनलाइज कर लेना है, यानी कि इसको भी आपने रैशनलाइज करना है ये इस तरीके से ऐसे, प्लस इसको भी आपने रैशनलाइज कर देना है। ये देखें, ये आपका हो गया। आप 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यही आता है और नीचे वाले को इसी तरीके से लिख देते हैं ब्रैकेट्स में, ये हो गया +4√5 + √2 और ये √5 − √2 √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप करते हैं 3√5 − √3। ये आ गया a का स्क्वायर और ये आ गया -b का स्क्वायर +4√5 + √2 और नीचे भी आ गया a का स्क्वायर -b का स्क्वायर √5 − √3। ये आ गया 5 − 3 +4√5 + √2 और ये आ गया, सॉरी जी यहां पर भी 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5 − 2, यहां पर भी 2 है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो वो आप लोग खुद मैनेज कर लिया करें, क्योंकि मेरा यहाँ पर बेसिक काम जो सा होता है वो आपको कॉन्सेप्ट देना होता है। ठीक है, अच्छा ये आ गया 3। अब यहाँ पर देखें कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 सेम है, ऊपर वालों को जी हम इसी तरह लिख देते हैं 4√5 + √2 का होल। ठीक है, अब यहाँ पे √5 − √2, अब +4√5 आ जाएगा और +4√2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ गया 3 और 3 कट गया +4√5 − √2 + 4√2। देखिए √5 टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है। अब ये 4 और 1 जो है ये आ गया 5√5 और प्लस माइनस माइनस होता है +3√2, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि इनको हमने क्यों सॉल्व किया है, तो यहाँ पर देखें ये भी √ वाली टर्म है, ये भी √ वाली टर्म है और सेम है इसलिए ये सॉल्व किया है, यहाँ पर भी ये सेम है इसलिए ये सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हुआ है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है 3√2 × 2√2 − 8√3। अब आपने क्या करना है, सिंपल 3√2 को मल्टीप्लाई करना है 2√2 के साथ और 3√2 को मल्टीप्लाई करना है 8√3 के साथ। यहाँ पर ये आ गया 6√2 का होल स्क्वायर −8√3 तो ये 6 × 2 − 24√6 आ गया, तो ये 12 − 24√6 यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, √3 − √2 × √6 − √8। आपने सबसे पहले √3 को लेकर इसको लेकर इसके साथ सॉल्व कर लेना है, फिर −√2 को लेकर इसके साथ सॉल्व कर लेना है ऐसे, तो ये आ गया √3 √6 − √3 √8 − √2 √6 + √2 √8।
ये आ गया 6 3s are 12 -24 माइनस ये आ गया 12 और 18 होता है ठीक है और ये आ गया 16 ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है फिर से वो स्टेप मैं इधर रिपीट कर रही हूँ 18 को देख लेते हैं 2 9s are 3 3s are and 3 1s are यानी कि ये आ जाएगा 3 under root 2 माइनस सेम प्रोसेस 24 के साथ 2 1s are 2 2 2s are 4 2 6s are 12 2 3s are and 3 1s are तो ये 2 under root 6 आ जाएगा। अब 12 के साथ करते हैं तो 2 6s are 12 2 3s are and 3 1s are ये आ गया 2 under root 3 और नेक्स्ट आ जाता है 16 के साथ तो 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are ठीक है तो ये आ गया इसका 4। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ठीक है तो यही आपका इसका आंसर है। लास्ट पार्ट इसका करने लगी हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी और टिकटॉक पर भी लाजमी फॉलो कीजिएगा ठीक है। अब लास्ट इसका पार्ट है √5 - √8 का होल स्क्वायर। सिंपल है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर यानी कि ये a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर ये फार्मूला है -2 √5 √8 और ये +√8 का स्क्वायर तो ये आ गया 5 - 2 √8 5s are आपके पास 40 होता है जी और ये +8 आ गया। अब 5 + 8 - 2 √40 8 9 10 11 12 13 ये आ गया 13 - 2 √40 और यही इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट।